विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई बुनाई फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह गा और खा के पदों पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में आयोजित होने जा रहे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एमबी इंटर कॉलेज के मैदान का स्थलीय निरीक्षण करने हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के ट्वीट को लेकर कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि हरीश रावत किसी काम के नहीं है, इसलिए हरीश रावत बार बार हाईकमान से कह रहे हैं जिस तरह की गुटबाजी है कांग्रेस में है वो उत्तराखंड की जनता को भी दिख रही है। एक तरफ हरीश रावत है, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह है, तीसरी तरफ देवेंद्र यादव है। पता नहीं कितने गिरोह और कितने गुट बट रहे हैं, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। अब वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला, वहाँ कई गिरोह चल रहे हैं, कई प्रकार के गुट चल रहे हैं। कोई हरीश रावत जी का गुट है, कोई प्रीतम सिंह जी का है, कोई देवेंद्र यादव जी का है और कई अन्य गिरोह चल रहे हैं। तो उनकी अपनी अंदरूनी लड़ाई है और जब वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कौन उनके नेता होंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। मदन कौशिक ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हरीश रावत को कांग्रेसी नेता ही नकार रहे हैं। वो मैं तो क्या बता सकता हूँ, जिन्होंने पोस्ट किया वो तो वो बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते आपका अंदरूनी मामला हो सकता है कि आप बातचीत करें, लेकिन जब वो मामला सड़क पर आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के विपक्ष के तौर पर भी हताश है, निराश है कि इन लोगों ने ना विपक्ष की भूमिका निभाई, सत्ता पक्ष में तो दुनिया ने देखा था किस तरह इन्होंने कार्य किया। उत्तराखंड के प्रशिक्षित पीआरडी जवान 365 दिन का रोजगार और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के संबंध में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में 29 सितंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के विभिन्न गैर सरकारी कार्यालयों में थाना चौकियों में कोविड-19 महामारी में शासन प्रशासन के साथ ड्यूटी देते हैं। कोविड-19 महामारी जैसी समस्याओं में अपने बच्चों की परवाह न करते हुए सरकार विभाग के द्वारा 2-3 महीने ड्यूटी दी जाती है, इसके बाद भी पूरे साल बेरोजगार कर देते हैं। और इसमें से मतलब अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं भी की हैं, तो 363 दिन में से 300 दिन की घोषणा कर दी है। 300 दिन की जब घोषणा की है तो उसका हमें जब तक हमारा जीओ जारी नहीं होता है तो हम तब तक आचार संहिता भी तो लगने वाली है। बिल्कुल, आचार संहिता लगने वाली है, जब लगेगी तब देखी जाएगी, लेकिन हम तब तक डटे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जौली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि वे दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपनी विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज और लंबे समय से लंबित कोटद्वार में सेंट्रल विधायक को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करेंगे, साथ ही अन्य केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे। मैंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन किया है कि उसके लिए मैंने धर्मेंद्र प्रधान से समय लिया है और कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है, तो मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से उस कोटद्वार मेडिकल कॉलेज में स्वीकृत हो जाए, जिससे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। इसका ये अंदरूनी मामला है और मैं सोचता हूँ कि इस पर कोई टिकट टिप्पणी करना उचित नहीं है, और लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हरीश रावत जी केवल ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनका।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये मुश्किलें पूर्व मुख्यमंत्री रावत के उस ट्वीट से बढ़ी हैं, जिसमें उन्होंने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। माना जा रहा है कि रावत की नाराजगी कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह को लेकर है। यही वजह है कि आलाकमान ने दोनों को दिल्ली तलब किया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कल इन दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस मामले पर कुछ खास बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि हरीश रावत वरिष्ठ नेता है, उनकी बात पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।